अच्छा ये शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं करते, आपको मालूम है ये राइफल से भी करते हैं ना। 130 गोलियां चला के आए हैं आज पूना में, 131वीं मुझ पे चलाने वाले से। आप ना होते इनके बगल में बैठ के मेरी जो तस्वीर निकलती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी तस्वीर है, अकेली की तस्वीर को कोई उसे कोई आभा ही नहीं उसमें, ये हमारी आभा है। बहुत सारे आर्ट्स हैं, बहुत सारे फन हैं, बहुत सारे आर्ट्स हैं इस आदमी के अंदर, कबाड़े की दुकान है। अच्छा इनका नाम कमीने दोस्तों में सबसे ऊपर लिखा जाए। Very special day for me. My first exhibition in India, together with my friend and colleague Ashok Palau. Even my first visit in India. I am very proud to be here and to talk to you all. Friends, to start with, let me welcome Katharina to our country. Thank you very much. Painting मध्ये मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की तिथे कुठेही शब्दाला शब्दाचं नुसतं अधिष्ठान नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन शब्द काहीतरी बोलतात. ती अक्षरं जी आहेत त्या अक्षरांनी माणसांचे आकार घेतलेले आहेत. मी जिथे म्हटलं की जिथे शब्द कमी पडतात तिथे तुम्हाला रंग बोलायला लागतात, आकृत्या बोलायला लागतात. ह्या शब्दामध्ये रंगही आहे आकृतीही आहे. ते एक पेंटिंग एकावेळी एक दोन मिनटं बघितलं आणि गेलो तसं नाही होऊ शकत, त्याच्यामध्ये खूप मोठा आशय भरलेला आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला तेच गंमत येते की अक्षरामध्ये एवढी ताकद आहे की ते पलीकडे आपल्याला म्हणजे पलीकडचा जो शेंदूर आहे त्याच्या पलीकडे घेऊन जातात ही अक्षर. फार छान होतं. कॅथरीन यू आर ग्रेट, यू आर अमेझिंग, यू हॅव युज्ड इट इन अ सच अ मॅनर, रिअली हॅट्स ऑफ. अच्युत तुला काय नव्यानं काय सांगायला नको आल्या का? तू सारखं तुझ्याकडे बघितलं की मला तुझ्या चेहऱ्याच्या ठिकाणी असा डस दिसतो. चेहरे के जगह भी मुझे ऐसे ड ब क ड ओम ऐसे कुछ लगता है. वो ऐसे कुछ अक्षर कुछ शर्ट पहन के आए हैं वैसे लगता है उसकी. शब्दों की शख्सियतें होती हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं. वर्ड्स हैव देयर पर्सनैलिटी और वो इतनी सारी हैं कि आप तमाम शख्सियतें तो जानते नहीं और तमाम पैदा भी नहीं कर सकते. और ख़ुद सिर्फ लिखने में या क्योंकि हमारे लफ्ज़ों में सिर्फ आवाज़ है, ध्वनि है, क्योंकि हम बोल लेते हैं और उसे, लेकिन उसको शख्सियत देना वो इस तरह के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनकी शख्सियतें मालूम की हैं और दरियाफ्त की हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक. एक स लिखा हुआ और एक प लिखा हुआ और एक आ लिखा हुआ, उसकी इतनी सारी शक्लें देखते हुए हर दफ़ा एक नई भावना पैदा करते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा कि वही लफ्ज़ हम इनको देते हैं उसकी शक्ल वो जिंदा हो जाती है, कुछ और हो जाती है जब इनकी आवाज़ से निकलती है, क्योंकि वो अदाकार अपनी शख्सियत उसमें शामिल कर लेता है. तो लफ्ज सिर्फ अपने आप में ब्लॉक्स नहीं है, वो बने बनाई ईंटें नहीं हैं कि आपने सुखा ली और उसको मिट्टी में गूंद लिया और रख दिया और उन्हें तरतीब दे के दीवार बना ली. वो सिर्फ ब्लॉक्स नहीं है, उनके जो शेडोज हैं, उनकी जो परछाइयाँ पड़ती हैं, सगळ्यात सुंदर सांगितले ये जो कहा है ना, वो उसको जो निकालना है बाहर, वो इन इन जैसे दो कलाकार बैठे हो इन लोगों ने काम किया, वो बहुत बड़ा काम है. शब्दांना त्यांच्या सावल्या सापडलेल्या आहेत वेगवेगळ्या वेळेच्या. दुपारची सावली असल्यानंतर एवढाच, त्याच्यानंतर असा मग लाल हो गेले. वो वक्त के सूरज के गिर्द उसके साथ साथ बदलते हैं, उनकी शक्लें बदलती हैं, उनकी शख्सियत बदलती है, प्रत्येक उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है. जैसे स्कूल ऑफ आर्ट्स के थे हमें रोज देखा करते और हमारी स्क्रिप्ट पे इनके सिग्नेचर्स हमारे पास पड़े हुए और जिस तरह से ये बैठ के ऐसे बनाया करते थे कुछ भी तो हमने जमा किए हुए हैं. अच्छा ये शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं करते, आपको मालूम है ये राइफल से भी करते हैं ना. 130 गोलियां चला के आए हैं आज
पूना में 131वीं मुझ पे चलाने वाले थे आप ना होते वडील आहेत आपले यानी जे काही दिलेलं आहे मी म्हणून मी म्हणतो ना की आमचं इनके बगल में बैठ के मेरी जो तस्वीर निकलती है ना तो मुझे लगता है कि मेरी तस्वीर है अकेली की तस्वीर को कोई उसे कोई आभा ही नहीं उसमें ये हमारी आभा है नहीं नहीं हर बात का एग्जीबिशन नहीं किया करते जो ये जो वो कर रहे हैं मैंने कहा ना वो कहीं नज़र ना लग जाए इसके लिए मैंने एक अपनी पेंटिंग रखूँगा उनके इसमें तो उनके पूरे वो जो एग्जीबिशन को नज़र ना लगेगी किसी के ऊपर तो मेरा अपना एक रखूँगा मैं अच्छा इनका नाम कमीने दोस्तों में सबसे ऊपर लिखा जाए